हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल ग्लैम विद मोली। आज मैं फिर से आपके लिए एक न्यू वीडियो लेकर आई हूँ गाइस। और जो आज का वीडियो है वो है फेशियल वीडियो गाइस। इसमें जो हम फेशियल यूज़ करेंगे वो है शहनाज हुसैन का फेशियल है गाइस, टैन रिमूवल 5 स्टेप फेशियल है गाइस। और हम इसे ही यूज़ करेंगे आज और देखते हैं गाइस कैसा ग्लो आता है स्किन पर। अभी आप मेरी स्किन देखिए गाइस, मेरी स्किन कितनी मतलब डैमेज है, डल हो गई है, बहुत ज़्यादा मतलब डल स्किन हो गई है मेरी गाइस। काफ़ी टाइम से मैंने फेशियल वगैरह नहीं किया तो इसलिए मेरी स्किन में बिल्कुल भी ग्लो नहीं था, मुझको वाइट हेड्स ब्लैक हेड्स भी काफ़ी हो गए थे। तो अब गाइस हम अपना फेशियल स्टार्ट करेंगे, पर उससे पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा गाइस। तो चलिए गाइस हम अपना फेशियल स्टार्ट करेंगे। तो सबसे पहले गाइस आप एक किट देखिए, ये है इस तरीके की किट है, आपको मिल जाएगी मार्केट में। और ये 5 स्टेप फेशियल है गाइस, इसमें आपको 5 स्टेप मिलेंगे और वो मैं आपको सब इसमें वीडियो में बता दूंगी कैसे कैसे आपको करना है। सबसे पहले गाइस हम क्लिनजिंग करेंगे अपने फेस को। इससे क्या होगा गाइस, जो भी हमारी स्किन में डर्ट पोल्यूशन होगी वो रिमूव हो जाएगी, ऑयल वगैरह, और हमारी स्किन काफ़ी अच्छी हो जाएगी, क्लीन हो जाएगी एकदम। तो गाइज़ जो ये क्लिनजिंग थी ये कुछ बाम टाइप था गाइज, तो जैसे अब विंटर है तो विंटर में भी हमारी स्किन को बिल्कुल भी ड्राई नहीं करने वाला, काफ़ी अच्छा था ये, अच्छे से स्किन में मतलब अप्लाई हो गया था और काफ़ी अच्छा लग रहा था स्किन में अच्छे से। और गाइज जब भी हम अपना ये फर्स्ट स्टेप करते हैं तो इसमें को देखिए, मैं जिस तरीके से मसाज कर रही हूँ आपको भी उसी तरीके से करना है। इससे क्या होगा गाइज, हमारी स्किन अच्छी हो जाएगी, हमारी स्किन बिल्कुल साफ़ हो जाएगी, जो भी डर्ट पोल्यूशन होगी वो रिमूव हो जाती है गाइस, अच्छे से इजीली रिमूव हो जाएगी। तो जब भी आपको लगे कि आपकी स्किन काफ़ी डैमेज हो गई है, डल हो गई है, तो आप फेशियल कर लीजिएगा गाइस और अच्छे से अपनी स्किन पर स्टेप बाय स्टेप फेशियल करिएगा, ठीक है। तो गाइस अगर इस प्रोडक्ट की बात करें तो ये प्रोडक्ट काफ़ी अच्छा है और इसका प्राइस भी कोई ज़्यादा नहीं है गाइस, 275 रुपीज़ में आपको मिल जाएगा गाइस। अब देखिए मेरी क्लिनजिंग हो गई है और मैं अब इससे अपनी स्किन को क्लीन कर लूँगी गाइस, अच्छे से क्लीन करना है हमें अपनी स्किन को। इसको प्रोडक्ट को रिमूव कर देंगे, जो भी हमने क्लिनजिंग के लिए प्रोडक्ट लिया था इसको हम रिमूव कर लेंगे अच्छे से गाइस, फेस वॉश नहीं करना है, इसे हम रिमूव करेंगे। अब नेक्स्ट स्टेप की तरफ चलते हैं गाइस, जो है स्टीमिंग की। उसके बाद गाइस हम स्क्रब करेंगे, तो उससे पहले हमें स्टीम लेनी चाहिए गाइस। स्टीम के बड़े बेनिफिट है गाइस, स्किन में ग्लो तो आता ही है, ब्लैक हेड्स वाइट से हेड्स भी रिमूव हो जाते हैं। तो अच्छे से आपको स्टीम लेनी है गाइस, उसके बाद हम स्क्रब लेंगे और अच्छे से हमें स्क्रब करना है। और जब भी गाइस आप स्टीम, तो आप चाहे तो हफ्ते में 2-3 बार ले सकते हैं। उसके बाद बस आपको पैक ज़रूर लगाना है गाइस, जब हम स्टीम लेते हैं तो गाइस इससे भी हमारी स्किन में ग्लो आ जाता है और हमारी स्किन फेयर भी लगती है। तो अच्छे से मैं अपना स्क्रब करूँगी गाइस। इससे क्या होगा गाइस, जैसे अभी मैंने स्टीम ली थी उससे मेरे वाइट हेड्स ब्लैक हेड्स लूज़ हो गए होंगे और अब स्क्रब से वो ईज़िली रिमूव हो जाएंगे। तो अच्छे से हमने स्क्रब करना है गाइस, और काफ़ी हल्के हाथ से आपको ये स्क्रब करना चाहिए, आपको हार्ड अपना हाथ बिल्कुल नहीं रखना। तो अच्छे से हम अपनी स्किन को क्लीन करेंगे, इससे क्या होता है गाइस, आपके जो भी वाइट हेड्स ब्लैक हेड्स होंगे वो ईजिली रिमूव हो जाएंगे और आपका स्किन काफ़ी अच्छी लगेगी, ठीक है गाइस। तो अच्छे से हमें अपने स्क्रब करना है। इससे गाइज आपकी जो डैमेज स्किन होगी वो भी रिमूव हो जाएगी इजीली। आपकी स्किन एकदम एक्सफोलिएट हो जाएगी और अच्छे से मैंने स्क्रब हो गया गाइज। और एक टूल है, इससे हम वाइट हेड्स ब्लैक हेड्स रिमूव करते हैं गाइज, और इससे इजीली रिमूव हो जाता है। तो अब मैं देखिए गाइज, आपको भी देखिए मैं किस तरीके से वाइट हेड्स ब्लैक हेड्स रिमूव कर रही हूँ, अच्छे से इससे रिमूव हो गए थे, काफ़ी अच्छा हो गया था इससे गाइस स्किन में। तो आप भी इसी तरीके से कीजिएगा, और अगर आपके पास इस तरीके का टूल नहीं है तो गाइस आप इसे अवॉइड कीजिएगा।
और अगर गाइस आपके स्किन में एक्ने पिंपल जैसी समस्या है तो बिल्कुल भी इस टूल का यूज़ मत कीजिएगा गाइस। आप इससे दाने जो आपके एक्ने या पिंपल होंगे उसको बिल्कुल भी पिंच मत कीजिएगा गाइस, नहीं तो आपकी स्किन में डार्क मार्क्स हो जाएंगे गाइस, तो हमें वो नहीं चाहिए। ईजिली हम इससे बस वाइट हेड्स और ब्लैक हेड्स रिमूव कर लेंगे। गाइस इससे थोड़ी सी आपकी स्किन रेड हो सकती है, तो घबराने की ज़रूरत नहीं है, थोड़ी देर में अपने आप ठीक हो जाएगी। अब थर्ड स्टेप है हमारा गाइस मास्क, तो अभी मैं अपने फेस पर मास्क अप्लाई करूँगी। गाइस अच्छे से पूरे फेस पर मास्क को अप्लाई करना है, मैं फिंगर की हेल्प से कर रही हूँ, आप चाहे तो ब्रश की हेल्प से भी कर सकते हैं गाइस, जैसा आपको ठीक लगे अब वैसे कीजिएगा। और अच्छे से मैं इसकी पूरी लेयर फेस पर बना लूँगी। जब भी गाइस हम फेशियल करते हैं जो हमारे स्टेप होते हैं वो काफ़ी मेन होते हैं, इससे क्या होता है मसाज से गाइस हमारा ब्लड सर्कुलेशन तेज होता है, जिससे आपकी जो स्किन है वो काफ़ी ग्लो करती है और काफ़ी हेल्दी हो जाती है, और आपका जो फेस है वो काफ़ी मतलब क्लीन हो जाता है। अच्छे से मैं अपने इसको फेस पर पूरा अप्लाई कर लूँगी गाइस, और इसके बाद हम इसे थोड़ा ड्राई होने देंगे गाइस। अब ये पूरा हो गया है अप्लाई अच्छे से, और आईब्रोज से इसे थोड़ा दूर रखिएगा गाइस। अब ये देखिए पूरा ड्राई हो गया, उसके बाद मैंने फेस को अच्छे से वॉश कर लिया। तो गाइस अब हमारा फोर्थ स्टेप है सीरम। सीरम को लेना है हमें गाइस, और सीरम से हमें 10 से 15 मिनट तक अच्छे से मसाज करनी है गाइस। जैसे कि मैं भी आपको बता रही थी कि मसाज जब हम करते हैं फेस पर तो हमारा ब्लड सर्कुलेशन तेज़ हो जाता है गाइस, और उससे हमारी स्किन में ग्लो ऐड हो जाता है। तो अगर आपको एक अच्छा ग्लो चाहिए तो आप अपने जो मसाज है वो अच्छे से कीजिएगा फेस पर गाइस। तो मैं अपने फेस पर अच्छे से मसाज करूँगी 10 से 15 मिनट गाइस, आप भी इसी तरीके से कीजिएगा, अच्छे से मसाज कीजिएगा गाइस। आपको मसाज जब भी करें तो अपने नेक पर भी कीजिएगा, चीक्स पर। ये गाइस हमें नीचे की ओर बिल्कुल नहीं करना होता, हमें अपने फेस पर ऊपर की तरफ करना है कि हमारे चीक्स ऊपर की तरफ जाए। तो देखिए गाइस मैं किस तरीके से अपने फेस पर मसाज कर रही हूँ, आपको भी उसी तरीके से करना है, अपने फोरहेड पर, नोज पर, चीक्स पर, चिन पर, पूरे फेस पर हमें अच्छे से मसाज करना है। अब मैं अपने आईज पे भी करूँगी गाइस, इससे काफ़ी रिलैक्स फील करते हैं हम, तो अच्छे से अपने आईज पर भी कीजिएगा, ऐसे 2-3 बार कीजिएगा। अच्छे से मैं अपने फिंगर्स को फोल्ड करके अपने जो चीक्स है गाइस उस पर अच्छे से मैंने मसाज करी, और नोज़ के पास भी गाइस। गाइज हमारा ये पूरा कंप्लीट हो गया है, अब हम इसे फेस को वॉश नहीं करेंगे, इस रिमूव कर लेंगे गाइज इसे अच्छे से। आप चाहे तो गाइज टिश्यू पेपर भी ले सकते हैं या वाइप्स ले सकते हैं गाइज इसको रिमूव करने के लिए, नहीं तो इस तरीके के जो होते हैं गाइज ये भी मार्केट में आपको इजीली अवेलेबल हो जाएंगे। इससे आप अच्छे से रिमूव कीजिएगा गाइस, जैसे आपको अपनी स्किन को बिल्कुल क्लीन कर लेना है, बिल्कुल रिमूव कर देना है। इसके बाद गाइस ये है सन ब्लॉक, इसमें SPF 25 है गाइस,
और ये हमारा लास्ट स्टेप है गाइस। और ये मुझे काफ़ी अच्छा लगा कि जो भी हम जैसे फेशियल करते हैं तो उनमें SPF नहीं होता है गाइस, लास्ट में मोस्टली सीरम हमें अप्लाई करना होता है। अब इससे क्या होगा, हमारी स्किन एकदम प्रोटेक्ट हो जाएगी। तो गाइस जैसे कि ये जो फेशियल है ये वैसे भी टैन रिमूवल है, ये आपके टैन को रिमूव करने वाला है। तो जैसे गाइस अब फेशियल के बाद हमारा ये बहुत हद तक टैन रिमूव हो जाएगा, तो ये इससे हमारी स्किन को फिर प्रोटेक्ट करेगा अच्छे से। तो हमें अच्छे से अपनी स्किन में इसे अप्लाई करना है गाइस। और इसके बाद गाइस मैंने इसको अच्छे से अप्लाई किया और मेरी स्किन में काफ़ी ग्लो आ गया था। मुझे अभी ही इसका रिज़ल्ट दिख रहा था और काफ़ी अच्छा फेशियल लगा मुझे, बजट अकॉर्डिंग भी गाइस। और अगर मैं इसका रिव्यू दूँ तो रिव्यू भी बहुत अच्छा है गाइस, आप एक बार ज़रूर यूज़ कीजिएगा गाइस। काफ़ी अच्छा फेशियल लगा मुझे, काफ़ी अच्छा ग्लो आया मेरी स्किन में। तो गाइस ये गाइस ग्लो भी आ गया था अच्छा, और अभी फेशियल कंप्लीट हो गया है गाइस। और अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर ज़रूर कीजिएगा गाइस, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन ज़रूर प्रेस कीजिएगा, जब भी गाइस आपको अगली वीडियो की नोटिफिकेशन मिल पाएगी गाइस। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।